आपके बीच यामिनी सिंह जी आ गई हैं। एक बार अब तो शांति बनाए रखें और इनका स्वागत जोरदार तालियों से करें भाई लोग। बाप रे इतनी मोहब्बत, क्या बात है यामिनी जी, आप आते ही कमाल कर गई हैं। मैं चाहूंगा दूसरा माइक्रोफोन दीजिए प्लीज, दूसरा माइक्रोफोन। हेलो चेक चेक, हेलो हेलो। अच्छा यामिनी जी, हमारे दर्शकों को आप एक बार मोहब्बत दे दीजिए। कहो का हाल बा? आई हो दादा, सब बढ़िया ना? बढ़िया बाना यामिनी जी, अगर ये लोग अच्छे नहीं भी होंगे तो आपको देखकर और अच्छे हो जाएंगे। ऐसा है क्या? मुझे देख के अच्छे हो जाएंगे आप सब? ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, मुरलीगंज की ऐतिहासिक धरती रही है और हर साल हमारे श्वेत कमल भाई बवा यादव जी बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते हैं और इस बार आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। मैं बवा यादव जी को, दिलीप यादव जी को और हमारी मेला के जितने भी सदस्य हैं और तमाम ग्रामवासियों को, तमाम श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इतने बड़े कलाकारों से मिलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और प्यार आपके चरणों में पेश करता हूं। आपके पीछे है यामिनी सिंह जी, आइए सुनते हैं प्यारे प्यारे मोहब्बत भरे गीत यामिनी सिंह जी की मोहब्बत भरी आवाजों से। आराम से आराम से, ऐसे झगड़ा झुगड़ी ना करिए, यहीं पे हूं अभी, मैं कहीं जा नहीं रही हूं। मैं क्या भाई, ट्यूबलाइट चेंज करने ऊपर चढ़े हो क्या? क्या है ये? एक आप सबका इतना सारा प्यार देख के बड़ा अंदर से ऐसा आ रहा है कि आप लोगों के लिए एक लाइन है कि जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। भोजपुरी सुने के बेका काहे आँख हमरा के मारा तार हो, सीधा साधा लैका के बेगदा तार हो, ओ कहियो हमरो गलियावा हो। देखिए यामिनी जी आपको बुला रही हैं और उन्हीं को बुलाएंगे जो शांति से कार्यक्रम देखिएगा। हाँ ले लो, बढ़िया से ले लो, क्या बात है। मोबाइल वाले यामिनी जी लोग अच्छे विचार के आदमी हैं। मैं जब से मंच पर हूं तब से मेरी तस्वीर किसी ने नहीं ली, लेकिन आपके आते ही देखिए कितनी मोबाइल चमक रही है। ये बेचारे इतने अच्छे हैं, तस्वीर वही लोग खींचते हैं जिन्हें बचपन में दूसरे के घरों में ताका झांकी करने की आदत होती है। चलिए यामिनी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं से कुछ संवाद हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। आइए आपके यामिनी सिंह जी। माही और मनीषा, मैं तो बहुत सुनी थी हमेशा, माही और मनीषा के लिए हमेशा मैंने सुना था कि बहुत अच्छी परफॉर्मर्स हैं ये लोग, बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने इनका गाना देखा था ए चुनमुनिया है, और मेरा बहुत मतलब, मैं इस शो में जब आ रही थी तो मेरा ये था चलो माही मनीषा से मिलने को मिलेगा, है ना? तो मैं जब यहाँ पे आई, अभी डांस मेरे को बोला गया ना, मैंने तुरंत बोला नहीं नहीं माही मनीषा साथ में आएंगे तो मजा आएगा। तो बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग, बहुत और आगे बढ़ो और खूब नाम रोशन करो, कोई और आप जैसा है नहीं और ना हो पाएगा। ठीक है, अरे आराम से लड़िए मत आपस में, हम लोग यही है, कहीं नहीं जा रहे, यही है, कहीं नहीं जाएंगे। तो जो लोग खेसारी जी को चाहते हैं वो अपने फोन की फ्लैशलाइट जला लें, और जो पवन जी को चाहते हैं वो बस चिल्ला दें। तो शुरू करते हैं, खेसारी जी बस इतने ही, और कहाँ है और चला खेसारी जी,
नंबर, क्या गजब फैन फॉलोइंग है, नहीं स्टार है वो तो स्टार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पवन जी नहीं नहीं सही है, बहुत मेहनती भी है वो, काफी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपनी जनता के बारे में, अपने दर्शकों के बारे में बहुत सोचते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचा उस इंसान ने, तो वो काफी मेहनत करते हैं, वो इस प्यार के लायक भी है। खेसारी भैया जिंदाबाद।